अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारे ग्रुप के तमाम दोस्तों को तारिक अली की तरफ अस्सलाम वालेकुम। जो जापान में रहते हैं वो तो तकरीबन तमाम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लोग जापान में नहीं हैं, जापान से बाहर हैं, किसी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, मैं इनको ये दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। आप सोचिए, पहले बताइए ये बिल्डिंग किस चीज़ की हो सकती है, क्या हो सकता है। और जब मैं आपको बताऊंगा ये क्या है तो आप स्पेशली पाकिस्तानी लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा हूँ। ये बिल्डिंग जो है जापान के अंदर एक नॉर्मल, मतलब कोई स्पेशल नहीं है, एक वाहिद नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जापान के अंदर, उनमें से ये एक है। ये है पब्लिक टॉयलेट। इस पब्लिक टॉयलेट के अंदर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। आप देखिए, ये ऑटो डोर लगा हुआ है इस पब्लिक टॉयलेट में। ये दो डोर खुला आपने देखा, और इस तरफ लेडीज़ है और ये जेंट्स है। ये मैं जेंट्स की तरफ गया हूँ। यहाँ एक दूसरा ऑटो डोर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। यहाँ बैठने का इंतज़ाम है, टॉयलेट है ये। और आप देखिए यहाँ पे तमाम किस्म की, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, खूबसूरती, ब्यूटी देखें आप। यहाँ ये देख रहे हैं, ये टॉयलेट में हम घुसे हैं। ये पब्लिक टॉयलेट है, फ्री ऑफ चार्ज। और ये देखिए, ये है बूढ़ों के लिए टॉयलेट, जिसके अंदर हाथ से खड़े होके बूढ़ों लोगों के लिए पकड़ने का, इधर राइट पे भी एक दिया हुआ है जो कि ये नीचे हो जाता है, ये इस तरीके से। ये देखिए, ये देख रहे हैं हम, ये एक पब्लिक टॉयलेट है बूढ़ों के लिए। इसके बाद हम इधर से आपको जो है नॉर्मल टॉयलेट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सफाई देखिए आप, कलरिंग देखिए, ये देखिए कितना बड़ा कमरा है। इतना बड़े कमरे में पाकिस्तान में चार लोग रहते हैं, और इस कमरे के अंदर आप देखें एक बच्चे का टॉयलेट भी लगाया हुआ है, कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो भी इस टॉयलेट के अंदर, छोटा बच्चा इस कमोड पे बैठ सकता है, हाथ धोने का या बच्चे को बिठाने का इंतज़ाम है, बच्चे को खड़ा हो के बैठ के। और ये तमाम चीज़ें देखिए आप। उसके बाद अब हम जाते हैं मेन टॉयलेट की तरफ। अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये सब हाथ धोने के लिए, देखिए कितने खूबसूरत शीशे लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप ये। और ये खड़े होके पेशाब करने वालों के लिए दोनों तरफ उन्होंने बनाए हुए हैं। और उसके बाद ये नॉर्मल टॉयलेट है। अब इस टॉयलेट के अंदर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं सारे 5-6 टॉयलेट बने हुए हैं। अब इस टॉयलेट के अंदर आपको एक ख़ास बात बताएं, देखिए इसके अंदर, देखिए बैठ के यहाँ पर एक ऐसी जगह बनी है, बैठ के आप वजू भी कर सकते हैं। ये एक सीट लगाई भी है, ये खड़े होने का भी है, यहाँ बैठने का भी है। और ये टॉयलेट है, ये बच्चा अगर आपके साथ है तो बच्चे को यहाँ आप बिठा सकते हैं। ये आप देखिए, ये जापान का, ये आपको टॉयलेट में दिखा रहा हूँ, खाली जापान के टॉयलेट है। अच्छा, ये ख़ास तौर पे पीछे ये जो है ना टेपर में जगह रखी गई है, ताकि आदमी कोई चीज़ रख के यहाँ भूल ना जाए। और जब इसको दरवाजे को आप बंद करेंगे तो इस दरवाजे के साथ जो है, बंद करने के बाद इस दरवाजे पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ें भूल के तो नहीं जा रहे कहीं, चाबी, टेलीफोन, बैग, पैसे। और यहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। इसको आप खोलें, इसको ऑन करें और यह बाहर आ गए। अब आप देख लीजिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जापान के अंदर। और यहाँ देखिए, ये टायर भी लगा हुआ है हाथ साफ करने का। और यहाँ पर ये देखिए, ये सैनिटाइज़र भी लगा हुआ है, सैनिटाइज़र से आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारा क्यों दिल नहीं चाहता जापान छोड़ने को। ये देखिए टेबलें, देखिए आप, ये जस्ट टॉयलेट है और कुछ भी नहीं है। ना यहाँ खाने पीने का कोई इंतज़ाम, कुछ भी नहीं है, कोई पार्किंग, कोई वेंडिंग मशीन, कोई जूस, कोई चाय नहीं है। ये देखिए ऑटो डोर खुल गया, अभी मैं बाहर आ गया हूँ, लोग अंदर जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, दिस इज़ जापान। और बाहर का मंज़र आप देखिए कितना खूबसूरत है, लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये पब्लिक टॉयलेट है, रोड पे लोगों को चलने के लिए बनाया गया है। और मुझे उम्मीद है, वो उधर देख रहे हैं आप, दूर आपको एक स्मोकिंग रूम नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं, सिगरेट पीने वालों के लिए अलग रूम बनाया हुआ है उधर पीछे। जिसने सिगरेट पीनी है उसने उस रूम में जाके सिगरेट पीनी है, अदरवाइज़ वो किसी और जगह
जो है वो सिगरेट नहीं पी सकता। ये एक बंदा आपको नज़र भी आ रहा होगा वहाँ जा रहा है, ये देखिए शायद ये सिगरेट पीने के लिए जा रहा है उस कमरे में, इसने कहीं टॉयलेट में कहीं सिगरेट नहीं पिया है, वहाँ जाएगा वहाँ बैठ के सिगरेट पिएगा उसके बाद निकल के आएगा। ये कितनी खूबसूरत कौम है यार, देखो इससे कुछ सबक हासिल कर लो मेरे दोस्तों यारो, ये जापान है, दैट्स वाई वी लव जापान। उम्मीद है कि मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।